जो है यहाँ पे आने के बाद आपका थकान बिल्कुल गायब हो गया। सब लोग दौड़ रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि वो पैदल चलने वाले हैं, सभी लोग दौड़ रहे हैं, थकान शरीर से ख़त्म हो गया है, कहीं किसी को दर्द नहीं है और एक अलग उत्साह है, एक उत्साह का भाव है मन में और एक बेताबी है कितना जल्दी से जल्दी हम लोग वहाँ पे। और देखिए हम लोग जो है जल चढ़ा दिए हैं और जल चढ़ा के जो है बाहर की तरफ आ गए हैं क्योंकि काफ़ी भीड़ था वहाँ का, वीडियो नहीं बना पाया। और देखिए ऊपर मैं आपको लाइन में दिखा दूँ तो काफ़ी भीड़ है, ऊपर लाइन से लोग जा रहे हैं। और मंदिर परिसर का, मंदिर का मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ, अद्भुत और अलौकिक दृश्य है ये मंदिर का। और इसको देखकर जो है शरीर के अंदर जो है एक अलग सी ऊर्जा आनंदित होती है और इसका कोई विवरण नहीं कर सकता है। यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ की कमी नहीं है, हर लोग। और देखिए अंदर का जो है ये LED से देख पा रहे होंगे, देखिए ये जो पानी अर्घा से जा रहा है, जल जो अर्घा से जा रहा है अंदर। और देखिए इसको जो सीधे बाबा तक, यानी कि हम लोगों ने जो जल चढ़ाया बाबा को वो सीधे बाबा को मिल गया है। और उम्मीद करते हैं कि बाबा हम लोगों से प्रसन्न होंगे और दुनिया में सुख समृद्धि जो है वो कायम रहेगा। तो इस तरह से जो है श्रद्धालु जल अर्पित करने के बाद नीचे आकर अपना पूजा वगैरह करते हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर मंदिर का दृश्य काफ़ी अलौकिक और भव्य दृश्य है। अब हम लोग जल चढ़ा के जो है थोड़ा सा अब मार्केट होते हुए हम लोग अपने एक होटल की तरफ जा रहे हैं जहाँ कि हम लोग रुकेंगे। और काफ़ी अच्छा लग रहा है माहौल मार्केट का, भीड़ भरा पड़ा है, देखिए चारों तरफ मतलब जहाँ भी नज़र जाता है वो पेरा का ही दुकान, बस पेरा ही पेरा दिखता है इस एरिया में। मुझे लगता है कि हज़ारों हज़ार दुकान है पेरा के, मैं तो अचंभित हूँ इन दुकानों को देख के। अब देखिए ये सारा पेरा का दुकान है, काफ़ी कुछ कुछ दुकान तो 40 साल 50 साल 60 साल पुराने हैं। और अब हम लोग जाएंगे बासुकीनाथ, यहाँ से जल लेकर, और हम लोगों ने किया है गाड़ी और गाड़ी से जो हम लोग निकलेंगे बासुकीनाथ की तरफ। और बासुकी कहा जाता है कि जब आप बाबा धाम में जल चढ़ाते हैं तो आपको बासुकीनाथ में जाना ही पड़ता है। तो कांवड़ में हमारा जो है दो जल होते हैं, तो एक जल हम लोग जा रहे हैं बैद्यनाथ धाम के लिए और दूसरा जल बासुकीनाथ के लिए। तो अब हम लोग चलेंगे बासुकीनाथ। और गाड़ी में बैठने से पहले सेफ्टी ज़रूरी है, सीट बेल्ट आप लोग लगाएं और जो भी बैठते हैं गाड़ी में तो सीट बेल्ट लगाएं। और हम लोग अब निकल रहे हैं बासुकीनाथ की तरफ और थोड़ा रात हो गया है, काफ़ी शाम को निकले हैं और दूरी लगभग वहाँ से 50-60 किलोमीटर की दूरी है बासुकीनाथ की। और हम लोग जो है थोड़ी देर में पहुँच जाएँगे बासुकीनाथ धाम और वहाँ पर भी काफ़ी भीड़ होगी, लेकिन देखते हैं वहाँ पे क्या है क्योंकि पहली बार मैं वहाँ जा रहा हूँ। और अभी हम लोग पहुँच गए हैं बासुकीनाथ स्टैंड पे और स्टैंड से यहाँ थोड़ी सी दूर है तो हम लोग रिक्शा ले यहाँ पे। यहाँ पे आपको रिक्शे में 10 रुपये लगेंगे पर सवारी, 10 रुपये आप देंगे तो आपको जो है मंदिर तक लेके चले जाएंगे। और देखिए हम लोग जो है रिक्शा से अभी यात्रा कर रहे हैं और रिक्शा में हूँ, शरीर यहाँ पे सभी लोग जो है थक गए हैं, पैदल चल नहीं पा रहे थे तो इसीलिए रिक्शा में हम लोग जा रहे हैं। और देखिए हम लोग पहुँच गए हैं बासुकीनाथ धाम के मंदिर प्रांगण में और अब जो है जा रहे हैं मंदिर की तरफ। यहाँ भी चारों तरफ जो है काफ़ी अच्छा माहौल बना हुआ है, दुकानें हैं और जितने भी लोग बैद्यनाथ धाम आते हैं वो बासुकीनाथ भी आते हैं जल लेकर, भक्ति है बाबा की। और यहाँ के बारे में मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में, एक लंबी कहानी है क्यों यहाँ पे जल चढ़ाना चाहिए, ये भी काफ़ी एक रोचक कहानी है बाबा की। तो यहाँ भी दर्शकों, यहाँ भी जो है कांवड़ियों की अच्छी भीड़ है, काफ़ी भीड़ है यहाँ पे कांवड़ियों की। और देखते हैं अंदर का क्या माहौल होता है, धीरे धीरे हम लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं और अभी उतनी भीड़ नहीं है जितनी की भीड़ पहले होती थी। यहाँ पे सब लोग कहते हैं कि अभी भीड़ थोड़ी कम है अब, लेकिन जो है लगातार जो है कांवड़िया लोग जो श्रद्धालु है आ रहे हैं जा रहे हैं तो इतना पता नहीं चल रहा है। और देखिए प्रशासन है यहाँ पे जो है रास्ते में और काफ़ी अच्छा है कि आपको रास्ता बता रहे हैं कि आपको किस कैसे जाना है। तो हम लोग को इधर से जाना है शायद, और नहीं हम लोग को उधर से, हाँ हम लोग को आगे से जाना है शायद, हाँ आगे से जाना है। तो हम लोग चलेंगे सीधा और यहाँ पे अब बहुत सारे यहाँ पे मैंने कांवड़िया देखा जो जल लेकर सीधा यहीं पे आते हैं, तो वो जो है सुल्तानगंज से जल लेकर आते हैं सीधा बासुकीनाथ धाम। तो अपना अपना सबका जो है एक मन्नत होता है, वो लोग आते हैं। तो यहाँ भी देखिए काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, ऊपर जो है पंडाल वगैरह है पूरा, चारों तरफ दुकान वगैरह है। तो हम लोग धीरे धीरे जो है बासुकीनाथ धाम की तरफ जाते हुए, मंदिर की तरफ जाते हुए, शिव गंगा ओपी
यहाँ भी शिवगंगा है, यहाँ भी आपको शिवगंगा में स्नान करना होता है और उसके बाद जो है आप जो जल लाते हैं उस जल को जो है बाबा पे चढ़ाया जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे जो है शिवगंगा का दृश्य है, नीचे जो है जल यहाँ से आपको स्नान करना होता है। तो हम लोग नीचे जाएंगे, थोड़ा सा यहाँ जो बारिश हुई है बारिश की वजह से फिसलन है तो संभल कर चलना पड़ेगा यहाँ पे। और ये देखिए हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ के शिवगंगा के पास, और शिवगंगा में जो है जिनको नहाना है वो नहा भी सकते हैं, जिनको जल छिड़कना है वो जल भी छिड़क लेते हैं ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी जो बाबा धाम में जो बाबा बैद्यनाथ धाम में जो जल चढ़ाए हैं वो तो वहाँ पे नहाते ही हैं शिवगंगा में, तो इसलिए काफ़ी लोग जो है जल भी ऊपर में छिड़क लेते हैं शिवगंगा का, वो पवित्र हो जाते हैं यहाँ पे। और फिर हम लोगों को अपने जो जल को लेकर आए हैं उसको संकल्प करवाना होगा। तो सबसे पहले तो नीचे से जल पवित्र होकर पहले हम लोगों को आना होगा, तो इसके लिए नीचे काफ़ी भीड़ भी है, हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं। शिवगंगा का अलौकिक दृश्य आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पूरा रात का ये नज़ारा है और अभी तकरीबन जो है 7:30 बज रहे हैं यहाँ पे, और काफ़ी अभी जो है कांवड़ियों की भीड़ है यहाँ पे, क्योंकि बाबा बैद्यनाथ धाम को जल अर्पित करने के बाद लोग यहाँ पे आते हैं, तो इसी के लिए यहाँ पे भीड़ होता है अभी। और कुछ कांवड़िया जो है डायरेक्ट जो है सीधा यहाँ पे भी जल ले कर आते हैं, तो हर तरह से लोग यहाँ पे आते ही आते हैं, बाबा का महिमा है आपको यहाँ आना ही है, और बाबा के द्वार में हर तरह के लोग आते हैं यहाँ पे। अच्छा यहाँ भी काफ़ी बढ़िया व्यवस्था है आपके लिए, और कांवड़िया पथ से लेकर बाबा धाम तक जो है किसी भी तरह की कमी नहीं है किसी भी कांवड़िया के लिए। और यहाँ पे जो है कुछ जलार्पण का काउंटर भी लगाया गया है, अगर आप भीड़ के वजह से अंदर अगर जल नहीं चढ़ा पाते हैं तो आप जो है इस काउंटरों में जो है जाकर जल चढ़ा सकते हैं। 7-8 काउंटर यहाँ पे बने हुए हैं, और ये जो काउंटर के जो जल हैं वो सीधा जो है अड़गा है वहाँ से बाबा तक वो जल चले जाते हैं। तो कहीं ऐसा नहीं है कि आप अगर काउंटर में, काफ़ी लोगों का एक भर्म होता है कि यहाँ पे क्यों जल चढ़ाएं, तो अगर आप नहीं चढ़ा पाते हैं किसी कारणवश अगर नहीं जा पाते हैं, आपकी तबीयत सही नहीं है और काफ़ी भीड़ है होने की वजह से अगर आप नहीं चढ़ा पाते हैं लाइन पे, तो आप जो है सीधा काउंटर पे जल चढ़ा कर क्या हुआ? बाबा का आशीर्वाद ले सकते हैं और आपका जल जो है सीधा बाबा तक जाता है, तो कहीं भी मन में भ्रम ना रखें। और इस तरह से जो है छोटी छोटी दुकानें हैं यहाँ पे, जो छोटी छोटी चीज़ों को लोग खरीदते हैं, हर तरह से लोग यहाँ पे जो है छोटी छोटी चीज़ों को भी लेते हैं, और हर तरफ जो है एक देखिए कहीं कोई अस्थिर नहीं है, कुछ ना कुछ हलचल हो ही रहा है मार्केट में, कुछ ना कुछ कोई खरीद रहे हैं, कोई कुछ ले रहे हैं, कोई कुछ देख रहे हैं। और हम लोगों को भी अब ख़रीदना है, एक चप्पल ख़रीदना है, क्योंकि अब जो है पाँव में जो है अब हम लोगों ने बाबा को जल चढ़ा दिया है, तो हम लोग चप्पल जो है यहाँ पे पहन सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारी पूरी यात्रा थी वो खाली पाँव की यात्रा थी, तो यहाँ पे जो हम लोगों ने चप्पल ख़रीद लिया है, और अभी नॉर्मल सा एक चप्पल लिया हूँ ताकि पाँव में बस थोड़ा सा आराम मिल पाए, क्योंकि अभी चप्पल ज़्यादा पहन नहीं पा रहा हूँ, तो ये छोएगा आसानी सा चप्पल लिया हूँ, क्योंकि छोटे छोटे कंकर वगैरह जो है ना चुभ रहे हैं, तो हम लोग ने सारे लोग यहाँ पे जो है चप्पल लिए हैं। और अब आगे बढ़ते हुए और अब हम लोग जा रहे हैं अभी फिर से वहाँ से जो है रिक्शा लेंगे और चलेंगे अपने गाड़ी के पास जहाँ पे हम लोगों का गाड़ी पार्क हुआ है स्टैंड की तरफ, और फिर वहाँ से जो है हम लोग जाएंगे बैद्यनाथ धाम के आसपास ही हम लोगों का होटल है, वहीं पे आज रात्रि का ठहराव होगा हम लोगों का, और फिर जो है सुबह सुबह हम लोग बाबा का जो है दर्शन करेंगे, पूजा करेंगे। और ये देखे भाई साहब कुछ बेचते हुए थोड़े हंसी मजाक होते हुए मेरे से, और काफ़ी अच्छे लोग हैं यहाँ पे, काफ़ी अच्छे फ्रेंकली लोग हैं, अच्छे बातचीत है, मैं फिर आऊँगा, मैंने उनको कहा कि मैं फिर आऊँगा। तो इस तरह से चीज़ें हैं लोग, काफ़ी चीज़ें हैं और हर तरह की चीज़ें यहाँ पे बिकती है, चाहे वो किताब हो, चाहे वो सिंदूर हो, चाहे वो रुद्राक्ष का माला हो, चाहे वो अचार हो, तो हर तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे, खाने पीने की चीज़ें हैं, आप यहाँ पे चाय वगैरह भी पी सकते हैं, अच्छी अच्छी दुकानें मिलेंगी आपको। तो अब यहाँ पे शायद कोई कुछ किसी को लेना है, तो इस तरह से हम लोग अब धीरे धीरे जो है आगे बढ़ेंगे। और देखिए कुछ ना कुछ यहाँ पे हर कोई कुछ ना कुछ बेच रहा है रास्ते में, और यहाँ भी पता नहीं किस चीज़ का भीड़ लगा था, काफ़ी कांवड़िया जो है वहाँ एक जमा हो गए थे, शायद कुछ बिक रहा होगा। और ये देखिए काफ़ी अच्छा एक मंदिर मुझे दिखा यहाँ पे, काफ़ी बढ़िया सजावट है इनका और काफ़ी नक्काशी किया गया इस मंदिर में और काफ़ी अच्छा लगा। तो इसी तरह से जो है हम लोग अब बाहर निकलते हुए और यहाँ से जो है हम लोग जाएंगे अपने स्टैंड की तरफ, और अभी फिर से हम लोग रिक्शा में बैठ चुके हैं
और अब जा रहे हैं अपने स्टैंड की तरफ जहाँ की हमारा गाड़ी पार्क किया हुआ है। हम लोगों ने वासुकीनाथ बैद्यनाथ धाम से ही मंदिर के पास से ही हम लोगों ने गाड़ी लिया था यहाँ के लिए। और देखिए रास्ते में जो है कांवड़िया लोग सब जा रहे हैं, रात हो गई है लगभग 8:30-9 के बीच का रात है ये। और हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो वासुकीनाथ धाम का जो है माहौल काफ़ी अच्छा था, काफ़ी बढ़िया है, शांत माहौल है। और बारिश होने के कारण जो है पूरा अच्छा लग रहा है माहौल, ठंडा ठंडा हवा।